आपका बहुत बहुत स्वागत है दोबारा मेरे YouTube चैनल में। और मुझे पता है कि आपने अगर पहला वीडियो देखा है तो आपको ये वीडियो समझ में आ जाएगा। पहले वीडियो में हमने पार्ट वन में बात की थी साइकोलॉजी के 12 करियर स्कोप एंड फील्ड्स के बारे में। ठीक, अब मैं उसी के आगे आपको बताना चाहता हूँ जो और फील्ड्स हैं साइकोलॉजी के, जिसमें आप जा सकते हैं, रिसर्च पढ़ाई जो भी करना चाहते हैं कर सकते हैं। ठीक, अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिए, वरना ऐसे वीडियो मिस हो जाएंगे। पार्ट टू है ये, पार्ट वन आप देख सकते हैं तभी आपको ये पार्ट टू समझ में आएगा। तो चलिए मैं आपको आगे जो भी फील्ड्स हैं साइकोलॉजी के उनके बारे में बताना चाहता हूँ। तो जो 13th मतलब 13वां साइकोलॉजी का फील्ड है वो है कम्युनिटी साइकोलॉजी। जी हाँ, कम्युनिटी साइकोलॉजी मतलब क्या होता है? कम्युनिटी मतलब आप एक ग्रुप में रह रहे हैं, लोगों के साथ में रह रहे हैं, आपको मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम हो रही है, आपको बिहेवियरल डिसऑर्डर हो रहा है, तो इन सब के बारे में ना जो सॉल्यूशन करता है वो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट या फिर काउंसलर जो है उसका काम होता है कि वो सॉल्यूशन दे। यहाँ पे रिलेशन एक दूसरे को सुधारने की कोशिश की जाती है, चाइल्ड रियरिंग पे फोकस किया जाता है, आपके हेल्थ पे, आपकी स्कूलिंग पे, हर चीज पे, और आपको एजुकेट किया जाता है कि कैसे आप सोसाइटी में, आप एक ग्रुप में और बेहतर इंसान बन सकते हैं और इस प्रकार आपका और पूरे समाज का भला हो। ये होता है कम्युनिटी साइकोलॉजी। 14th है कंज्यूमर साइकोलॉजी। कंज्यूमर साइकोलॉजी जैसा कि मैंने बोला था सोशल साइकोलॉजी का ही एक पार्ट है। कंज्यूमर साइकोलॉजी मतलब होता है कि आप सामने वाले के दिमाग को पढ़ो और ये जानो कि ये चाहता क्या है और उसको आप बेचो। वो इसमें हम मोस्टली पैकेजिंग, जो भी ओवरऑल पैकेज किया जाता है प्रोडक्ट को, वो उसकी एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग, इन सब के बारे में बात करते हैं। जैसे मैगी, मतलब 2 मिनट में मैगी तैयार हो जाती है, तो जो ये तैयार किया गया है मैगी के बारे में, ऐसे ही जो डूडल होते हैं दो दो लाइंस की जो प्रचार होते हैं वो एक्चुअली कंज्यूमर साइकोलॉजी ही है। आगे हम समझते हैं कि इसको चाहिए क्या, फिर हम उसको वही दिखाते हैं। दूध सी सफेदी, निर्मा निर्मा निर्मा, तो दूध सी सफेदी, सभी को चाहते हैं कि उसका जो कपड़ा है वो दूध जैसा सफेद रहे, तो वहां पे ट्रिगर किया जाता है, कैसे लोगों को फंसाया जाता है कि वो अपना प्रोडक्ट बेचा जा सके, ये होता है कंज्यूमर साइकोलॉजी। फिर एक काउंसलिंग साइकोलॉजी, आपने सुना होगा काउंसलर्स को। एक्चुअली होता क्या है कि एमए के बाद आप 1 साल का कोर्स कर सकते हैं और फिर आप काउंसलर बन सकते हैं। इनका आज फैमिली में, इंटरपर्सनल स्किल्स में, जैसे कम्युनिकेशन स्किल हो गई, और करियर चॉइस में इनका बहुत रोल होता है। आजकल ये हर जगह है और इनकी बहुत आवश्यकता है। ये माइल्ड केसेस होते हैं जहां मतलब कि नॉर्मल प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको सॉल्यूशन देने में ये काम आते हैं, चाहे मैरिज काउंसलर, स्कूल काउंसलर, फैमिली काउंसलर, है ना। बिहेवियर प्रॉब्लम में जैसे ईटिंग है, स्लो लर्निंग है, तो इन सब के बारे में वो सॉल्यूशन करते हैं। बड़ा अच्छे से मतलब काउंसलिंग एंड गाइडेंस का एक पढ़ाई होती है, आपको समझ में आ जाता है कैसे काउंसलिंग करनी है। इसमें आप सामने वाले को उसको सलाह नहीं देते, आप उसकी मदद करते हो, आप उसको राह दिखाते हो। फिर है 16वां एजुकेशनल साइकोलॉजी, मतलब पढ़ाई में साइकोलॉजी को कैसे यूज करें, जो भी स्कूल का स्ट्रक्चर है, जो भी टीचर है उनका संबंध कैसा हो, जो भी स्कूल, जो भी क्लासरूम है उसको कैसे डिजाइन किया जाए कि लड़कों को ज्यादा समझ में आए, लड़कों को दिखाने पर ज्यादा समझ में आता है या फिर लिखने पर, ओरल उससे ज्यादा समझ में आ रहा है या फिर विजुअल, इन सब चीजों का जो प्रैक्टिस है वो स्कूल एजुकेशनल साइकोलॉजी में होते हैं, ताकि वी कैन इंक्रीज द इफिशियंसी ऑफ लर्निंग। इसका फोकस एक ही है साइकोलॉजी का, आप ऐसा समझिए कि मेन फोकस ये है कि आप उस फील्ड में जाके उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करें और वहां पे ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर सके, लोगों की जो कंडीशन है वो ऊपर उठ सके, यही रोल है साइकोलॉजी का। अब इसके बाद है एर्गोनॉमिक्स, जो 17वां है वो है एर्गोनॉमिक्स, मतलब इंटररिलेट इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी टू ह्यूमन बिहेवियर। जैसे एक 3G स्कूल ऑफ साइकोलॉजी करके कभी नया कंपनी या इंस्टीट्यूट जो भी बोल लो, वो लोग क्या कर रहे हैं ना, साइकोलॉजी को 3G से जोड़ रहे हैं। ठीक, कि ह्यूमन बिहेवियर को कैसे AI इन्फ्लुएंस कर रहा है। अब आने वाले समय में होगा क्या कि लोग समझ ही नहीं पाएंगे एक दूसरे के बिहेवियर को, तो मशीन को ये काम करना पड़ेगा, रोबोट को भी इमोशनल बनाने की कोशिश की जा रही है। दूसरा, आप कैसे कंपनी में डिजाइन किए जाए प्रोडक्ट वर्क प्लेस को कि वहां की इफिशियंसी बढ़ जाए, तो ये सब जो है ना टेक्नोलॉजिकल और इंजीनियरिंग में, यही है एर्गोनॉमिक्स, आप इसमें जा सकते हैं। एरोस्पेस का भी है, वहां पे भी मतलब कि एयर स्पेस और साइकोलॉजी के बारे में पढ़ाई की जाती है। तो आप मतलब मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि ये फील्ड है, आप इसमें रिसर्च करके आप देख सकते हैं कि आपके लिए कौन सा सही है। 15th
फिर है 18th आईओ साइकोलॉजी, मतलब इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर साइकोलॉजी। ठीक, इसमें होता क्या है कि इसमें जो भी इंडस्ट्रीज हैं वो अब खुद चाहती हैं कि उनके यहाँ जो भी बंदा है वो सही बंदा है, और अगर थोड़ा सा गलत हो रहा है, डिस्टर्बेंस हो रही है, तो उसको हम सही कर सके। तो मतलब सिलेक्शन प्रोसीजर से लेके उसको ट्रेनिंग तक, फिर उसको साथ में कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, इन सब में आजकल साइकोलॉजिस्ट का काम है। तो ये ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं उनका यही काम होता है कि वो लोगों को, जो भी एम्प्लॉई हैं और जो एम्प्लॉयर हैं, उनको अच्छा संबंध बना रहे, कम्युनिकेशन बना रहे, और ताकि बेटर परफॉर्म कर सके। वर्क एनवायरमेंट और ह्यूमन रिलेशनशिप, इन दोनों पे ये काम करते हैं। ठीक, 19वां मेडिकल साइकोलॉजी। आपने हेल्थ साइकोलॉजी का सुना होगा, उसमें होता क्या है कि आजकल जैसे कोई भी किसी भी इंसिडेंट से आया जिसमें मान लीजिए उसको कैंसर हो गया, इसको डायबिटीज हो गया, या फिर कोई ऐसी बीमारी होगी जहां से वो इससे फिर निकल के आ रहा है या फिर उसी फेज में है, अब उसको मेंटली बड़ा दिक्कत होती है यार। आप एक महिला थी, उन्होंने हार मान गई वो कोविड से, और वो खुद बोल रही थी कि मैं हार मान रही हूँ, मैं थक सी रही हूँ। तो जो ये हार मानना है, इमोशनल सपोर्ट चाहिए होता है, ये होता है मेडिकल साइकोलॉजी का काम, कि आपको वो सपोर्ट करे, इम्पैथी हो। यही काउंसलिंग साइकोलॉजी का भी है, यही मेडिकल साइकोलॉजी का भी है। ठीक, जो भी इमोशनल इम्पैक्ट होता है इलनेस का, लोग फिर कटने लगते हैं, सोचते हैं कि लोग उनका सम्मान नहीं कर रहे हैं, मिल नहीं रहे हैं, जुल नहीं रहे हैं, तो कैसे उससे ट्रीट किया जाए कि सामने वाला बंदा एक बीमारी से निकला है तो दूसरी बीमारी में ना फंस जाए। ठीक, तो ये होता है इसका काम मेडिकल साइकोलॉजी का। अब आगे मैं आपको बताना चाहता हूँ, 20वां है फॉरेंसिक साइकोलॉजी। इसमें दोनों का कॉम्बिनेशन रहता है, साइकोलॉजी का और लॉ का। ठीक, पढ़ाई करते हैं जो भी प्रिजन में है लोग, या फिर कोर्ट रूम में, या फिर जो कोई अपराध किया है तो वो उसका आई विटनेस होते हैं ये लोग। ये लोग देखते हैं कि जो भी आई विटनेस है वो कैसा जो रिस्पॉन्स दे रहा है वो सही है गलत है, या फिर जो अपराधी है वो जो बात बोल रहा है वो सही है गलत है, तो ये लोग असेसमेंट करते हैं। इनको क्लिनिकल साइकोलॉजी की थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए। ठीक, ये भी एक इमर्जिंग फील्ड है फॉरेंसिक साइकोलॉजी। आपको इसका जो भी कोर्स है, बहुत सारे साइकोलॉजी के आप कर सकते हैं, चाहे वो यूडेमी हो, चाहे फिर वो कोर्सेरा हो, और बहुत सारी साइट है, आप वहां पे देखते रहिए। ठीक, इंडिया की एनपीटीएल है, आईआईटी कानपुर खड़गपुर, ये सब भी बहुत सारे कोर्स डिजाइन किए हैं, वहां भी आप चेक करते रहिए। फिर है मिलिट्री साइकोलॉजी, मतलब कि देखिए कि जो नौजवान है वो चूंकि घर से दूर रहता है तो वो इमोशनल सपोर्ट उसका बना रहे, वो शत्रुओं से लड़ता है, स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में रहता है, कभी धूप में, कभी पानी में, कभी बर्फ में, तो उन सब परिस्थितियों में भी वो अपना मेंटल कंडीशन कैसे सुधारे रहे, कैसे लोगों से मिलता रहे, और कैसे अपने मेंटल हेल्थ को देखता रहे, इन सब के बारे में बातचीत होती है। ठीक है ना, ताकि वो वर्क में और लाइफ में बैलेंस बनाए रखे। मिलिट्री साइकोलॉजिस्ट भी एक इमर्जिंग फील्ड है, आप इसके बारे में जाना सोच सकते हैं। ठीक, फिर होता है 22वां एनवायरमेंट साइकोलॉजी। एनवायरमेंट साइकोलॉजी मतलब यार कि आपका और एनवायरमेंट का बड़ा गहरा संबंध है। ठीक, आप जो भी करते हैं तो एनवायरमेंट पे उसका प्रभाव पड़ता है। तो जैसे क्राउड हो गई, भीड़ हो गई, नॉइज हो गई, हल्ला हो रहा है, या फिर एनवायरमेंट हो गया, ये सब एक दूसरे को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। अगर बहुत हल्ला होगा तो मैं वीडियो नहीं बना पाऊंगा, आप अगर वीडियो देखेंगे हल्ला हो रहा हो तो आप वीडियो देख नहीं पाएंगे, आप पढ़ नहीं पाएंगे। क्राउड के कारण हमारा जो एग्रेशन है वो बढ़ने लगता है, हमारे बिहेवियर में चेंज आने लगता है। ठीक है, तो यही मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये हो गई एनवायरमेंट साइकोलॉजी। ठीक, इसमें अगर आप जाते हैं तो आपको इसी में रिसर्च करनी होती है, और एनवायरमेंटल और ह्यूमन रिलेशन का है एक अच्छा संबंध बनाने की कोशिश करनी पड़ती है, ताकि अच्छा संबंध बने और एनवायरमेंट भी आगे बढ़े और आप भी आगे बढ़े। ठीक, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी मतलब आपने सुना होगा यार कि कैसे बेटर परफॉर्म करें, कैसे हम सामने वाले को आउटडेट करें, कैसे हम आउटग्रो करें सामने वाले को और खुद आगे बढ़े। एथलीट्स ये काम बड़े अच्छे से करना जानते हैं, उनको ये सोने की ट्रेनिंग देना, उनको आगे बढ़ाने की ट्रेनिंग देना, उनको कैसे अपना शेड्यूल रखना चाहिए, कैसे मेंटली प्रिपेयर रहे। इट इज नॉट अबाउट द फिजिकल स्ट्रेंथ, इट इज अबाउट द मेंटल स्ट्रेंथ। ओलंपिक्स में जीतने के लिए यहां से स्ट्रांग होना पड़ेगा, तो वो तैयारी कौन कराता है, वो साइकोलॉजिस्ट, वो एक ट्रेनर, वो एक मोटिवेशनल स्पीकर वहां पे उनकी मदद करता है। जो टोनी रॉबिन्स से बहुत बड़े स्पीकर है, तो वो इतने बड़े प्लेयर्स के क्यों कोच हैं, क्योंकि प्लेयर्स को भी जरूरत पड़ती है कैसे मोटिवेशन बढ़ाएं, कैसे अपना परफॉर्मेंस, टीम में काम कर रहे हैं तो वहां पे मोटिवेशन बना रहे, सामने वाले के साथ में काम कर रहे हैं, तो इन सब के लिए भी ये जरूरी होता है। ठीक, तो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी मतलब इन्फ्लुएंस ऑफ साइकोलॉजी ऑन स्पोर्ट एंड एथलीट्स, इसका बड़ा रोल है। तो इस प्रकार से मैंने दो वीडियो में आपको साइकोलॉजी के जितने भी स्कोप और फील्ड्स थे मैंने उन सबके बारे में जानकारी दी। अगर आपको दोनों वीडियो लाइक
पसंद आए हो तो लाइक कर दीजिए, अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिए वरना ऐसी वीडियो मिस जाएंगे। साइकोलॉजी के जितने भी ग्रुप से आप जुड़े हैं हर जगह इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, और जो भी आपके सवाल हो आप नीचे कमेंट बॉक्स पे करिए, मैं आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।